नाम जो दिया गया है ना सी सोर, ये अपने आप में एक अनोखा नाम है, एक अंधेरे में रोशनी निकलती हुई सोर की, तो वो बहुत अच्छा है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, ये जो सी है उसमें ही भी है। जब अगर हम घरेलू हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं ना, तो हमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हमें पुरुषों के साथ भी काम करने के लिए उतना ही जरूरत है। वायलेंस चाहे किसी भी तरह का हो, शायद हम सबको पसंद नहीं है, हम किसी भी तरह का वायलेंस नहीं चाहते हैं, पर अगर वायलेंस घर से बाहर हो तो वो दिख जाता है, लोग उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, प्रशासन है, मीडिया है, सब कोई उसके पीछे लग जाता है अगर वायलेंस कहीं एक ऐसे सार्वजनिक जगह पे होती है। पर अगर घरों के अंदर हिंसा हो तो उसके लिए लोग क्या करें, ये सोचने की जरूरत है। घरेलू हिंसा, हिंसा का बहुत सारा प्रकार है, जो हम यहाँ बैठे हुए सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से मानसिक, यौनिक, आर्थिक, शारीरिक हिंसा होता है, लेकिन वो सारे हिंसा का कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और वो मेरे समझ से वो सारा हिंसा का कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे तभी जाके हम लड़कियों के प्रति बराबर की भावना रखेंगे और उसको बराबर का मौका देंगे, और तभी ये घरेलू हिंसा खत्म होगा। जब बच्चा जन्म लेता है हम तभी से जेंडरीकरण कर देते हैं कि तुम लड़के हो, तुम्हारा ये व्यवहार है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है और तुम्हें बर्दाश्त करना है, और तुम्हें ऐसे अपने को, अपनी पार्टनर को, अपने घर में अपनी लड़कियों को, अपनी माँ बहन को कंट्रोल में रखना है। और इसी सब का कारण है कि वो धीरे 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 आगे जाके घरेलू हिंसा का प्रकार ले लेता है। हम लोग जिस एडोलसेंट और यूथ के साथ काम करते हैं, हम गांव में काम करते हैं, 90% पुरुषों ने ये बोला है कि हमें अपनी पार्टनर का मदद करना बहुत अच्छा लगता है, हमें, हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टनर का मदद करें, चाहे वो मेरी पत्नी है या फिर अपनी बहन है या अपनी माँ है, उनके मदद करें। लेकिन हम सब ने जैसा समाज बना के रखा है ना कि अगर कोई लड़का काम करेगा किचन में घुस के तो हम सभी उसे क्या क्या नहीं नाम दे देते हैं। और अभी आपको एक चीज बताते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक बढ़ गया है, आप ये समझिए। हम अगर बाजार में निकलते हैं तो एक छोटा सा चॉकलेट किंडर जॉय खरीदने जाते हैं, हमको सच में नहीं पता था कि किंडर जॉय भी जेंडर के अनुसार मिलता है, लड़कों के लिए अलग और लड़की के लिए अलग। ये चॉकलेट भी लड़का और लड़की के लिए होता है क्या, कि ये लड़का खाएगा और ये लड़की खाएगी? तो नहीं, इसमें जो खिलौने होते हैं ना वो लड़कों के अलग और लड़कियों के लिए अलग होते हैं। तो आप ये सोचिए कि बाजार कितना बड़ा रोल इसमें निभा रहा है। मोबाइल रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स में गए थे लेने के लिए, वहां बड़े अच्छे से हमको समझा रहा है, अगर आपको अपने लिए लेना है तो आप ग्रीन कलर लीजिए, और अगर मेरा एक मित्र मेरे साथ गया था तो अगर आपको इनके लिए लेना है तो आप ग्रे कलर या ब्लैक लीजिए। और हम बोले, और अगर मेरी एक मित्र है ट्रांसजेंडर तो हम उसके सामने मजाक में बोले, और अगर उसके लिए लेना हो तो कौन सा कलर लेंगे? मतलब अगर आप ये मेल फीमेल का बात कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर के लिए भी कोई कलर ला दीजिए ना भाई, कि कौन सा कलर होगा। तो अभी जो कोविड आया, अगर हम लोग गाँव की स्थिति देखे, कोविड में हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया था, हम सब घर में ही लगभग बैठे हुए थे। आपको बता दें कि गांव में लॉकडाउन में महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि जो महिलाएं जिनके पति, जिनके ससुर सुबह में घर से काम पे निकल जाते थे, वो लॉकडाउन में पूरा दिन घर में, उनको क्या क्या झेलना पड़ा। एक तो वो सेक्सुअल, मतलब उनके साथ हरासमेंट इतना ज्यादा हुआ, क्योंकि महिलाएं घर में है और गाँव में महिला पुरुषों के पास, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है, कोरोना का डर इतना है कि वो जाके ताश वगैरह भी नहीं खेल सकते हैं, तो घर में है तो एंटरटेनमेंट का उनके पास सेक्स के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, तो अपनी पत्नी को तंग करेंगे दिन भर रूम में जाने के लिए। तो महिलाएं इतना तंग हो गई थी कि वो बोलती थी कि हम लोग परेशान हो गए हैं कि मेरा पति दिन भर घर में रहता है और उसको बस दिन भर सेक्स ही डिमांड करता है। एक ये बात, दूसरा ये बात कि जो समय उनको अपने लिए मिलता था कि अगर पति चला गया तो अपना अपना सारा काम करके 12 1 2 बजे तक वो कम से कम थोड़ी देर आराम करती थी, थोड़ा टीवी देख लेती थी, गांव में टीवी सबके पास है, वो आराम का समय खत्म हो गया था उनका। दोस्तों के साथ तो हम बहुत फ्रीली घूमते हैं, अगर उसको कुछ चाहिए तो हम पूरे हर चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरी जो लड़की दोस्त है उसको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो,
तो हम उसका पूरा ध्यान देते हैं। तो घर में माँ और बहन के लिए क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि उनको रसोई में थोड़ा मदद मिल जाए, उनको कपड़ा खींचने में थोड़ा मदद मिल जाए, कपड़ा ना खींच सके तो पसार दे। यूथ बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा बोझ आप पे हम लोग नहीं डाल रहे हैं, पर एक उम्मीद तो जरूर है कि आने वाला जनरेशन समानता का होगा, वो थोड़ा तो आगे सोचेगा और अपने घर में और अपने परिवार को एक एक जगह देगा।